हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं SPTech। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए मैं आपको PC स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा विंडोज 7 इंस्टॉल है। अभी मैं विंडोज 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ। आज मैं आपको विदाउट डाटा लॉस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये बताऊँगा। ये देख सकते हैं आप, मेरा डी ड्राइव में 173 GB का है, उसमें से सिर्फ 5 GB फ्री है। पूरा यूज़ किया है मैंने, ये डाटा मुझे ज़रूरत है डाटा की, ये डाटा मुझे डिलीट नहीं करना है। तो डी ड्राइव हम सेफ रखेंगे, बट जो सी ड्राइव में जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। इसके लिए सी ड्राइव में कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा ना रखे। हम डी ड्राइव का डाटा बचा सकते हैं बट सी ड्राइव का नहीं बचा सकते। इसलिए डेस्कटॉप पर जो भी चीज़ है आपके वो आप सेव कर लीजिए दूसरा ड्राइव में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप ड्राइव की साइज़ जो है वो नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए अच्छे से। ये देख लीजिए, मेरा ये 50 GB का है अप्रोक्सीमेट, 49.5 GB का, और ये 173 GB का। तो हमें ए ड्राइव फॉर्मेट करना है, तो मैं इसे अभी रीनेम करके रखता हूँ Win7 नाम देता हूँ इसको। Win7 नाम आ गया है यहाँ पे। तो चलिए हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं PC को रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट स्टार्ट होते टाइम हमें BIOS में जाना है, तो मेरा F2 से BIOS में जाता है, तो मैं F2 की प्रेस करता हूँ। आपका डिलीट से जाता रहेगा तो आप डिलीट की प्रेस करें। हमारा BIOS सेटिंग आ गया है। यहाँ पे मैं बूट सीक्वेंस पे जाता हूँ और अभी हम USB स्टोरेज से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट बूट में USB स्टोरेज लेंगे और सेकंड बूट में हार्ड ड्राइव को, इंटरनल हार्ड ड्राइव को रखेंगे। अगर आप CD ड्राइव से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, CD से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट बूट में आपको CD लेना पड़ेगा, CD DVD ड्राइव को। अभी हम USB से कर रहे हैं, तो USB फर्स्ट बूट में है। इसे अप्लाई करके एग्जिट कर देना है। अभी यहाँ पे आया है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB, तो कोई भी की दबानी है। हमें यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है। हम लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऐसे ही रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन टाइप चूज करना है, तो हम कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पे क्लिक करेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क शो हो रहा है। ये एक नंबर में जो पार्टीशन दिखा रहा है वो सिस्टम के लिए, इसे डिलीट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो हमारी विंडोज बूट नहीं होगी। और जो हमने रीनेम किया था वो सेकंड नंबर पे 50 GB का, 49.5 GB का पार्टीशन, हमें उसे फॉर्मेट करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ वही ड्राइव फॉर्मेट करना है जिसमें हमें OS इंस्टॉल करनी है। और जो हमारा 173 GB का है इसमें हमारा डाटा है, तो ये डाटा हमें चाहिए, तो हम इसे फॉर्मेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ जो Win7 नेम किया था हमने 49.5 GB का, उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हमारा ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है। अब हमें ये 49.5 GB वाला ड्राइव सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे रीजन से सिलेक्ट करना है, तो हम रीजन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे यस कर देंगे। यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछ रहा है, तो हम यूएस रखेंगे, ऐसे रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, यस कर देंगे। वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। अगर चाहे तो आप सेकंड कीबोर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करेंगे और हमारा सेटअप आगे हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूज़र नेम डालना है, तो मैं यूज़र नेम SPTech डाल देता हूँ और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड डालना है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। अभी फ़िलहाल मैं पासवर्ड नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर एक्सेप्ट, हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डाटा सेफ है या नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो डी ड्राइव था वो पूरा जैसे कि वैसे है। हमारा डी ड्राइव 173 GB में से 6.9 GB खाली था, तो उतना ही है डाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।